नमस्कार दोस्तों, मैं अनिकेश आपका स्वागत करता हूँ अनिकेश के टेक्निकल यूट्यूब चैनल पे। सवाल मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ एक बजट ईयरफोन की, जिसका कॉस्ट है लगभग 600 रुपीज़, और आज मैं उसका अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। और साथ ही साथ इस वीडियो में ही मैं उसका रिव्यू भी दे दूँगा कि वो ईयरफोन कैसा है, क्योंकि बहुत सारे यूजर्स ये खोजते हैं यूट्यूब में, अमेजोन में, फ्लिपकार्ट में, कि उनके लिए कौन सा सबसे बढ़िया वाला ईयरफोन होता है, और वो बजट में ही खोजते हैं, क्योंकि लोग ज़्यादा महंगा, यूजर्स ज़्यादा महंगा पसंद नहीं करते हैं, और कुछ कुछ लोगों के पास वो अफोर्डेबल ही नहीं होता है वो ईयरफोन। सो आज मैं एक बजट ईयरफोन का अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि ये ईयरफोन जो है ये मेरे हाथ में ही है। इसका मैं अनबॉक्सिंग वीडियो बना चुका हूँ, अब मैं दोबारा शुरुआत वाला वीडियो में बना रहा हूँ। सो आज मैं इसका अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि ये ईयरफोन कैसा है और आपको ख़रीदना चाहिए या नहीं, क्योंकि ये बजट ईयरफोन है, लगभग इसका 600 रुपीज़ प्राइस है। सो आपको ये कहीं कहीं पर महंगा भी मिल जाएगा और कहीं कहीं पर सस्ता भी मिल जाएगा, और जहाँ पर सस्ता मिलेगा वहाँ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए। और अगर आपको ये ईयरफोन पसंद आता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक को फॉलो करके आप डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं ये ईयरफोन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दोस्तों, ये है बॉक्स, और देख सकते हैं यहाँ पर बोट लिखा हुआ है, इस कंपनी का ब्रांडिंग दिया हुआ है, और यहाँ पर लिखा हुआ है सुपर एक्स्ट्रा बेस, और यहाँ पर कुछ हेडफोन का इमेज दिया हुआ है। और यहाँ पर बात करते हैं पीछे की, तो यहाँ पर लिखा हुआ है सुपर एक्स्ट्रा बेस और वन बटन माइक्रोफोन एंड फ्लैट ट्रायंगल फ्री केबल एंड हैंड्स फ्री प्लग इन। तो दोस्तों यहाँ पर ये लिखा हुआ, और यहाँ पर बोट कंपनी का लोगो दिया हुआ है, और यहाँ पर सब कुछ वही दिया हुआ है। दोस्तों इसके बॉक्स को हम लोग खोल लेते हैं। दोस्तों बॉक्स को सबसे पहले हम लोग खोल लेते हैं। दोस्तों बॉक्स हम लोग ब्रेक कर चुके हैं इसके सील को, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा हैंडसेट है, और यहाँ पर हमें कुछ ईयरबड्स भी देखने के लिए मिलते हैं, और ये ईयरबड्स बहुत सारे हैं। और यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसे निकाल लेते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं ये है ईयरफोन, और सबसे पहले यहाँ की सबसे मेन चीज़ की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमें एक बहुत ही बढ़िया फिनिश मिलता है, ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है मुझे ईयरफोन। तो बात करते हैं सबसे पहले इसकी वायर की, बिल्ड क्वालिटी की, तो बिल्ड क्वालिटी इस वायर की तो बहुत ही बढ़िया है, और जैसा कि इसका दाम है वैसा तो इसका वायर भी और वैसा ही है, इसका बिल्ड क्वालिटी वायर का बहुत ही बढ़िया है। तो ये देख सकते हैं ये वायर है कुछ ऐसा, अनब्रेकेबल है, और ये अगर आप इसे रफ़ यूज भी करते तो इस ये बहुत ही बढ़िया आपका काम करेगा, ये इसका वायर कभी टूटेगा नहीं। तो जैसा कि बिल्ड क्वालिटी देखने के लिए मिल रहा है, तो ये देख सकते हैं ये हमारा एक ईयरबड्स है, और यहाँ पर हमें एक मेटैलिक मिलता है फिनिश, लेकिन ये मेटैलिक नहीं है, ये प्लास्टिक का बना हुआ है। और यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर लेफ्ट का ये है और ये राइट का है, और यहाँ बोट कंपनी का लोगो दिया हुआ है। तो दोस्तों इसका बात करते हैं, ये तो ये जो मोबाइल में लगता है वो ये देख सकते हैं यहाँ पर है, ये थोड़ा सा घुमा हुआ है, और यहाँ पर जो इसका 3.5 mm जैक है उसमें गोल्ड प्लेटेड है। तो दोस्तों बॉक्स में हमें एक और चीज़ मिलता है, और ये देख सकते हैं ये है बोट कंपनी के तरफ से एक वारंटी कार्ड, और यहाँ पर देख सकते हैं हार्दिक पांड्या जो कि इसका स्पॉन्सर है वो बता रहे हैं कि एक साल के मैन्युफैक्चर वारंटी है। और यहाँ पर अगर आपका कुछ भी दिक्कतें आती है तो आप इसे डायरेक्ट ही रिपेयर करवा सकते हैं इसके सर्विस सेंटर पे। तो दोस्तों हमें एक साल की वारंटी भी मिलती है इसके साथ। दोस्तों बड्स की बात करें जो इसके साथ दिया हुआ है ईयरबड्स, तो हम लोग इसे खोल लेते हैं, और यहाँ पर एक पिन दिया हुआ है जिसके कारण आप अगर आप ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं तो इसे यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर एक
ईयर में लगाने के लिए, अगर आपका फिक्स नहीं होता है तो ये ईयर में लगा करके आप फिक्स कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ स्टाइलिश ईयरबड्स देखने के लिए मिलते हैं, और ये ईयरबड्स बहुत सारे हैं आप जैसा कि ये देख सकते हैं। तो जो कंपनी के साथ हमें मिलता है वो ऐसा मिलता है, लेकिन जो हमें एक्स्ट्रा मिलता है वो ऐसा मिलता है। तो अगर आप चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंडेंट है कि आप चेंज करना चाहते हैं या नहीं। तो ये देख सकते हैं, ये हमारा ईयरबड्स है, और लगभग हमें बहुत सारे पेयर मिलते हैं, और लगभग हमें 5 पेयर मिल रहा है इस ईयरबड्स का। तो दोस्तों, अभी जो मैं लगभग 2 घंटे तक मैं इसका आवाज़ सुना, और लगभग 2 घंटे से मैं गाना सुन रहा हूँ इस ईयरफोन से, तो मुझे तो अभी तक कोई प्रॉब्लम लगी नहीं। और इसका आवाज़ जैसा लिखा हुआ है इसके बॉक्स में सुपर एक्स्ट्रा बेस, वैसा इसका आवाज़ है, सुपर एक्स्ट्रा बेस है, बेस बहुत ही है। और इसका आवाज़ लाउड क्लियर और साथ ही साथ बेस से भरा पूरा आवाज़ है। जैसे गाना अगर आप इससे सुनते हैं, अगर आप इस ईयरफोन को ख़रीद के इससे इसका आवाज़ अगर आप आवाज़ सुनते हैं तो आपको बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस मिलने वाला है। और लगभग मैं 2 घंटे से इसे यूज कर रहा था, और अभी 2 घंटे से मैं इसे इसके गाने मतलब कि गाना मैं सुन रहा था इसी ईयरफोन से। और जो अभी वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है वो उसी ईयरफोन से हो रहा है, वीडियो रिकॉर्ड मैं कर रहा हूँ, और जो ईयरफोन लगा हुआ है ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए तो उस वही ईयरफोन लगा हुआ है। सो अगर आप ये ईयरफोन ख़रीदना चाहते हैं तो आपको बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस मिलने वाला है। मैं पर्सनल अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मुझे तो बहुत ही बढ़िया लगा, क्योंकि मेरे पास सोनी का भी एक ईयर हेडफोन है, तो मुझे वैसा ही आवाज़ लगा इसका, क्योंकि उसमें भी एक्स्ट्रा बेस लिखा हुआ था और इसमें भी एक्स्ट्रा बेस मैं देख के ही लिया। मुझे एक्स्ट्रा बेस बहुत ही ज़्यादा पसंद पड़ता है, तो मैं इसी कारण ये ईयरफोन लिया। तो जो ऑडियो क्वालिटी था वो सेम टू सेम वैसा ही था, और वैसा ही था। मैं सोनी का हेडफोन से कंपेयर तो नहीं करूँगा, लेकिन पूरा उतना बढ़िया नहीं था, मतलब कि जैसा कि सोनी का हेडफोन का आवाज़ मेरा था वैसा तो पूरा पूरी नहीं था, क्योंकि ये ईयरफोन है, ईयरफोन से हम ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो भी ईयर मतलब कि ऑडियो क्वालिटी था वो बहुत ही बढ़िया था, तो मैं इससे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। और मुझे अगर ये ईयरफोन को रिव्यू भी करना पड़ेगा, अगर कहीं पर भी रिव्यू देना पड़ेगा, तो मैं 5 स्टार इसे दूंगा, क्योंकि ये ईयरफोन है जो बहुत ही बढ़िया मुझे लगा, और अभी तक का मेरा जो जितना भी ईयरफोन है उससे तो सबसे बढ़िया ईयरफोन यही लगा। तो अगर आपको ये ईयरफोन ख़रीदना तो डिस्क्रिप्शन के लिंक को ज़रूर फॉलो करें, और इस कंपनी का जो भी देखना चाहते हैं, रिव्यू देखना चाहते हैं, फ्लिपकार्ट का मैं लिंक प्रोवाइड करूँगा आपको, फ्लिपकार्ट से आप डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। और अमेजोन में मैं इसलिए लिंक प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसका जो अमेजोन का प्राइस है वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, और इसका 3 वेरिएंट आता है, 3 कलर में आता है ये ईयरफोन। एक जो है वो ब्लू आता है, जो मैंने खरीदा जो सबसे सस्ता आता है ब्लू आता है, और एक रेड आता है, और एक वाइट आता है, और एक ब्लैक आता है। 4 कलर आता है, 4 कलर आता है, सबसे सस्ता में यही वाला ईयरफोन मिलता है। और अगर आप इससे थोड़ा सा अलग कलर में जाएंगे, रेड में जाएंगे, रेड का 800 रुपीज़ पड़ेगा, और वाइट ग्रे कलर का लेंगे, वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन, सो आपको 1100 रुपीज़ पड़ेगा। सेम टू सेम यही ईयरफोन रहेगा, लेकिन बस कलर बदला हुआ रहेगा, तो इसके कारण आपको ज़्यादा पैसा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल सा यही वाला ईयरफोन ख़रीदिए और इसी से काम चलाइए, और ये ईयरफोन बहुत ही बढ़िया है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो मैं अभी तक सुन रहा था, 2 घंटे से सुना, मैं कहीं पर बोर नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारे अगर आप ईयरफोन सुनते हैं, ईयरफोन से आप अगर आप आवाज़ सुनते हैं, अगर इन द ईयर ईयरफोन है तो बहुत ही थोड़ा सा बिना बेस वाला आवाज़ निकलता है, तो वो थोड़ा सा बोर भी हो जाते हैं हम लोग उसे सुनते सुनते। लेकिन इस ईयरफोन में मैं अभी तक बोर नहीं हुआ, और मैं लगभग 2 घंटे से, जैसा कि आपको मैं बताया, ये 2 घंटे से मैं अभी तक सुन रहा था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मेरे नए वीडियोज़ को मिल सके सबसे पहले। सो कीप वॉचिंग अनिकेश, के मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
We'll be right back.